बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक सनी देओल को लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उन धाकड़ अभिनेताओं में से एक हैं, जिनका वर्चस्व आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार जैसा ही है। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जहां एक तरफ सनी देओल ने खूब आवाही लूटी, वहीं दूसरी ओर जब वो राजनीति में आए तब भी उनको लेकर खूब सारी सुर्खियां छाई। पिता धर्मेंद्र भी अपने जमाने के एक बड़े सुपरस्टार थे और बेटे ने भी वही नाम कमाया, लेकिन राजनीति में आने के बाद सनी देओल की खूब आलोचनाएं की गई। अब जब राजनीति में उन्होंने कदम रखा था तब सनी देओल के चाहने वालों ने एक तरफ जहां उनका स्वागत किया तो कई सारे ऐसे भी उनके चाहने वाले थे जिन्होंने इस फैसले को गलत ठहराया। लेकिन इन सब के बावजूद सनी देओल इन दोनों राजनीति पारी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गुरदासपुर से सांसद सनी देओल का एक समय मानना था कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और सांसद बन गए। वहीं जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सनी देओल से राजनीति में आने पर सवाल पूछा गया था तब उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो उस ढंग के आदमी नहीं है। सनी देओल ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं उस ढंग का आदमी नहीं हूं और मैं राजनीति के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हूं। हालांकि देश में वो किस तरह का बदलाव चाहते हैं, सवाल के जवाब में उन्होंने उस दौरान कहा था कि बदलाव की शुरुआत हर व्यक्ति को खुद से करनी होगी। उन्होंने कहा था कि बदलाव पहले हम सबको अपने अंदर लाना होगा। हमें हर चीज ढंग से करने की जरूरत है। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें इसके लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। खैर, सनी देओल का ये बयान उस दौरान काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया था जब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने गुरदासपुर की लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया था और राजनीति में आने का फैसला किया था। क्योंकि राजनीति में आने से कई साल पहले उन्होंने इस बात की तरफ इशारा दिया था कि वो राजनीति के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बीजेपी का दामन थाम कर राजनीति में अपना कदम रखा। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल कई बार विवादों में भी रह चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी उन पर कई सारे सवाल उठाए गए जब उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी थी। हालांकि बाद में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बीजेपी और किसानों के साथ है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सनी देओल पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। पंजाब के किसानों का आरोप था कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो सिख किरदार निभाकर खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्हीं सिखों के हकों की लड़ाई की बारी आती है तो वो साथ नहीं देते हैं, और सनी देओल पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा था। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल को संसद में उपस्थिति को लेकर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के 37 दिनों में वो 28 दिन तक संसद में मौजूद ही नहीं रहे थे और उस दौरान भी सनी देओल के ऊपर उंगलियां उठाई गई थी। अब सनी देओल के पिता धर्मेंद्र भी कुछ समय के लिए राजनीति में आए थे, हालांकि वो कुछ समय बाद ही इससे अलग हो गए थे। साल 2004 में वो बीकानेर से सांसद बने थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि राजनीति में आने का उनका मन नहीं था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर वो राजनीति में आए थे। उन्होंने बिना सोचे समझे उन्हें हाँ कर दिया था, जिसका उन्हें पछतावा भी हुआ था। उन्होंने बताया था कि हाँ करने के बाद पछतावे में उन्होंने अपना सिर शीशे में मार लिया था।